हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया। मेरा नाम है रवि चंद्राना। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कार का एसी आप घर पे कैसा सर्विस कर सकते हो। काफी सिंपल स्टेप फॉलो करने हैं, इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, वीडियो चालू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज जाके फॉलो कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है क्विक फिक्स इंडिया, जहां पे हम लोग कार रिलेटेड, बाइक रिलेटेड काफी स्टोरीज अपलोड करते रहते हैं और उसका नॉलेज भी शेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गर्मी का सीजन है, वो स्टार्ट हो चुका है और आपका कार का अगर एसी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मैं छोटी छोटी जो टिप्स बताऊंगा उसे फॉलो कीजिए, तो आपका एसी का जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा बढ़ेगा और आपको अच्छा कूलिंग मिलेगा। एसी में कंप्रेसर होता है, एसी में ब्लोअर होता है, कूलिंग कॉइल होता है और कंडेंसर होता है। कंडेंसर जो होता है ये आपके बम्पर के पीछे होता है, तो आप जब भी आपकी गाड़ी चलती है तो सबसे पहले जो डस्ट है अकुमुलेट आपके कंडेंसर पे होती है। कंडेंसर अगर आपका चोकअप हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा चोकअप कंडेंसर है, यहाँ पे पूरा डस्ट दिख रहा है आपको। अगर ऐसा डस्ट होता है तो जब भी फैन घूमता है, कूलिंग फैन जो रहता है एसी का, वो जब भी घूमता है तो एयर प्रॉपर से अंदर ले नहीं सकता है। सो कंडेंसर को अगर प्रॉपरली क्लीन करोगे तो वहाँ पे जो डस्ट वगैरह है वो अकुमुलेट हुआ है वो निकल जाएगा, तो एयर फ्लो है ये प्रॉपर होगा। एयर फ्लो प्रॉपर होगा तो आपका कूलिंग का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। दो टाइप के एसी आ रहे हैं। पुरानी जो गाड़ियां थी उसके अंदर कैबिन फिल्टर नहीं आता था, जो नए मॉडल्स आ रहे हैं उसमें सब में एसी के कैबिन फिल्टर्स आ रहे हैं। एसी का कैबिन फिल्टर होने की वजह से दोस्तों कूलिंग कॉइल है वो चोकअप नहीं होता है, और जहां पे एसी का कैबिन फिल्टर नहीं होता है कहीं ना कहीं वहां पे कूलिंग कॉइल जो है वो चोकअप होने के चांसेस होते हैं। पहले हमें दोस्तों ये एसी का फिल्टर है ये चेक करना है, ये कौन से कैसे कंडीशन में है। अगर उस पर ज्यादा डस्ट जमी है तो मैं रिकमेंड करूंगा उसको चेंज कर दीजिए, काफी सस्ता आता है। वो चेंज करने के बाद में कहीं ना कहीं एसी का जो परफॉर्मेंस है वो काफी इंप्रूव होगा। अगर आपके कार में कैबिन फिल्टर नहीं है तो कम से कम आप कंडेंसर को क्लीन करके देख सकते हो। अगर आपका कंडेंसर क्लीन होगा तो कहीं ना कहीं जो एयर फ्लो सर्कुलेशन है फैन के थ्रू ये प्रॉपर होगा और आपका जो कूलिंग है वो काफी अच्छा होगा। गैस के बारे में दोस्तों बात करेंगे। अभी एसी का जो गैस होता है यूजुअली वो कम नहीं होता है, कहीं लीकेज होता है आपका कूलिंग कॉइल में या कोई पाइप्स में लीकेज है या आपका कंडेंसर डैमेज है तो ही वहाँ से गैस लीकेज होता है, तो ही गैस कम होता है। तो आपको अगर जनरल सर्विस जो बोलते हैं एसी का, काफ़ी कंपनीज में अगर आप शोरूम में अगर गाड़ियाँ बेचते हैं ये आपको एसी क्लीनिंग का 3-4 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, उसमें वो लोग आपके कंडेंसर को क्लीन करते हैं, आपके एयर फिल्टर को क्लीन करते हैं, दैट्स इट। पुरानी जो गाड़ी है जिसके अंदर एसी का कैबिन फिल्टर नहीं, उसके लिए दोस्तों पूरा डैशबोर्ड खोलना होता है, क्योंकि जो कूलिंग कॉइल होता है वो डैशबोर्ड के अंदर होता है, तो उस सिचुएशन में आपको ज़्यादा खर्चा आता है। लेकिन जो भी नई गाड़ियाँ हैं वहाँ पर ज़्यादा कोई खर्चा है नहीं, काफ़ी सिंपल है, आप घर पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दो मोड है यहाँ पे एसी के, एक है जो अंदर की हवा अंदर में ही सर्कुलेट करता है, ये देखो ये जो दिख रहा है, और ये जो राइट में है जो हम लोग ये साइड में डालते हैं ये बाहर की हवा अंदर में लेता है। मैं रिकमेंड करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप डस्ट फ्री एनवायरनमेंट में है तो ही इस ऑप्शन को चूज़ कीजिए, अगर आपको फ्रेश एयर अंदर लेना है तो, नहीं तो अवॉइड कीजिए। क्योंकि क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो डस्ट है वो जो बाहर की डस्ट वो डायरेक्ट गाड़ी के अंदर आ जाएंगे, कहीं ना कहीं आपका ये कूलिंग कॉइल भी जाम करेगा और आपका जो फिल्टर एसी कैबिन फिल्टर है वो भी जाम कर देगा। घर पे क्या करना है दोस्तों, घर पे आप एसी कैबिन फिल्टर निकाल के इसे क्लीन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा डस्ट है तो उसे हम लोग चेंज करना है ये रिकमेंड करेंगे। और आपका जो ये सामने का जो कंडेंसर होता है, यहाँ पे ग्रिल दिख रही है, ग्रिल के थ्रू आप उसके अंदर वॉश कर सकते हैं और अच्छे से उसको प्रेशर वॉशर से उसको वॉश कर लेंगे तो ये कंडेंसर है ये फ्री हो जाएगा। कहीं ना कहीं जो आपका फैन है उसका भी लाइफ अच्छा रहेगा। तो अगर आपको थोड़ा पैसा खर्चा करना है तो मैं एक अच्छा प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, एक 3M का ये जो एसी क्लीनर है जिसके थ्रू आप आपके जो एसी के वेंट्स होते हैं अंदर में जहाँ पे हमेशा काफ़ी मट्टी लगी रहती है और वो क्लीन करना काफ़ी ईजी नहीं होता है, तो इस प्रोडक्ट के साथ में आप उसे क्लीन कर सकते हो। ये प्रोडक्ट कैसा फंक्शन करता है ये हम लोग देखते हैं। अभी यहाँ पे दोस्तों देखिए ये पाइप के थ्रू हम लोग इसके एसी के जो वेंट्स है उसके अंदर इसका फोम डालेंगे, पूरे वेंट्स में इसका फोम चला जाएगा और उसके बाद में हीट मोड जो होता है, जो हीटर मोड होता है उसके थ्रू 15-20 मिनट तक इसे चालू रखते हैं। दोस्तों ये फोम डालने के बाद में 10 मिनट तक अप्रोक्सीमेटली आपके हीटर को चालू रखते हैं जब तक वो जो फोम है वो वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए। ये फोम जब
वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, अंदर जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो सारे निकल जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो फ्रेगनेंस है वो एक अच्छा लाइम जैसा फ्रेगनेंस आपको आता है, तो जो फ्रेशनेस आपको एसी के थ्रू फील होता है। वीडियो खत्म करने के पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, दो चीजें हमेशा आपको क्लीन रखनी है, एक आपका एसी का फिल्टर है और एक कंडेंसर है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। आपने अगर दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में एक बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर लीजिए, तो जब भी हमारा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा। राइडर्स प्लीज वेयर हेलमेट, ड्राइवर प्लीज वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड क्लीन, कीप द रोड सेफ, कीप द सिटी क्लीन। थैंक यू।